आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के मैथ का प्रश्नावली 6.5, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC, जिसकी भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे कि कौन कौन है, तो हम चूँकि हम जानते हैं कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण यानी AC बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। अब बच गया 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान लेंगे, कौन भी को समकोण मान लेते हैं। आधार 7 सेंटीमीटर मान लेंगे और कर्ण 24 सेंटीमीटर। अब चेक करना है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। अब इसको AC का मान कितना है, 25, यानी 25 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625, 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 × 24, पाँच सौ 76 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 625 बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों संख्या बराबर है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, और दोनों बराबर नहीं होता तो समकोण त्रिभुज नहीं होता, लिखेंगे चूँकि ये समकोण त्रिभुज है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें भी हम जानते हैं कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण कौन होगा, 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लंब आधार किसी को भी मान लेंगे, कोण भी को समकोण मान लेंगे, और BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर, क्योंकि AC का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर में ए सी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे बराबर ए बी। ए बी कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी 3 है यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 64 बराबर 36 और 9 को जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों संख्याएं बराबर नहीं, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, इसमें भी हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है 100 सेंटीमीटर, यानी कर्ण 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लंब आधार किसी को भी मान लेंगे, तो हम आधार मान लेंगे 50 सेंटीमीटर और लंब मान लेंगे 80 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कित ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 100, 100 का स्क्वायर करेंगे बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 80, 80 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा बराबर 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6,400 हो जाएगा प्लस 50 का स्क्वायर करेंगे 2,500 हो जाएगा। 10,000 बराबर 6,400 और 2,500 को जोड़ेंगे तो 8,900 हो जाएगा। इसमें भी 10,000 के बराबर नहीं है संख्या, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन में भुजाएं दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बना लेंगे कोई भी ए बी सी। अब इसमें कर्ण मानेंगे सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी भुजा कौन है 13 सेंटीमीटर, ए सी यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर मान लेंगे और लंब आधार किसी को भी मान लेंगे। बी सी को मान लेंगे 5 सेंटीमीटर और ए बी को 12 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूँकि कर्ण कितना है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है ए बी का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। एसी कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, एबी 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है 5। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 169 बराबर 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। दोनों संख्याएं बराबर यानी LHS RHS के बराबर है तो दोनों तो यानी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है चूँकि ये समकोण त्रिभुज है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है में PQR, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे R, P और Q जिसका क्या है कोण P समकोण है यानी कोण P बराबर क्या है 90 डिग्री है। तथा P से एक लंब खींचा गया है QR पर, PM लंब खींचा गया है QR पर तो दर्शाना है कि PM स्क्वायर बराबर यानी PM का स्क्वायर बराबर QM का स्क्वायर इंटू MR। पहले हम लिख लेंगे कि दिया क्या है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। जिसका क्या है जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण कोण P समकोण यानी 90 डिग्री है। तथा PM लंब डाला गया है QR पर तथा PM लंब QR है। सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध करना है PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। अब PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR लाना है यानी लिखेंगे अब प्रमाण करेंगे प्रमाण यानी PM स्क्वायर दो बार आना चाहिए। इसमें दो छोटा वाला त्रिभुज है, एक PMR कोण M भी समकोण है। दो छोटा वाला त्रिभुज है PMR तथा
पी एम क्यू, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है आर पी क्यू। एक बार छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे, यानी एक बार त्रिभुज पी एम आर तथा आर पी क्यू को समरूप दिखा देंगे। चूँकि त्रिभुज पी एम आर तथा तथा त्रिभुज आर पी क्यू में क्या है, कोण पी एम आर बराबर कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे कोण पी समकोण है बड़ा वाला त्रिभुज में तथा छोटा वाला त्रिभुज में कोण एम समकोण है, इसलिए कोण पी एम आर बराबर कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री क्या दिया है। तो दोनों में क्या है, कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ है, दोनों में आर है, यानी कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज पी एम आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू को, किससे होगा, कौन कौन समरूपता कसौटी से, बाई ए ए, इसको समीकरण एक मान लेंगे। अभी इसमें बाकी है सर, इसमें आर पी क्यू, यहाँ पे कोण पी क्या था, समकोण था, और इसी में एक लंब खींचा गया था एम दिया हुआ था। क्या समकोण है, तो अभी हम पी एम आर और आर पी को समरूप दिखाए थे, अब पी एम क्यू तथा आर पी क्यू को समरूप दिखाएंगे। अब त्रिभुज पी एम क्यू यानी इस वाले त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज यानी आर पी क्यू को समरूप दिखाएंगे। चूंकि त्रिभुज पी एम क्यू तथा त्रिभुज आर पी क्यू में क्या, इसमें बड़ा वाला त्रिभुज में कोण पी समकोण है और छोटा वाला में एम, इसलिए कोण पी एम क्यू बराबर कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री इसे वह दिया है। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में कोण क्यू उभयनिष्ठ है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू है उभयनिष्ठ है।
इसीलिए त्रिभुज पी एम क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू के। कौन कौन समरूपता कसौटी से? बाई ए ए। अब इसको समीकरण दो मान लेंगे। समीकरण एक कितना था? त्रिभुज पी एम आर समरूप था त्रिभुज आर पी क्यू के, ये समीकरण एक। यहाँ पे दोनों का आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, क्योंकि पी एम त्रिभुज पी एम क्यू समरूप होगा त्रिभुज पी एम आर के। अब इसमें त्रिभुज क्या था? आर पी क्यू। और कौन पी समकोण था? और इस पे एक लंब खींचा गया था एम, और ये भी समकोण है। तो अभी हम दिखाया है त्रिभुज पी एम आर को बड़ा वाला त्रिभुज आर पी क्यू के। पहला समीकरण क्या था? त्रिभुज पी एम आर को आर पी क्यू के साथ अभी पी एम आर को आर पी क्यू के साथ तथा पी एम क्यू को आर पी क्यू के साथ समरूप दिखा दिए। तुम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है।
अब इसकी संगत भुजाएं समानुपाती करेंगे तो क्या होगा, पी एम बटा क्यू एम, पी एम बटा क्यू एम बराबर एम आर बटा एम पी। बराबर पी आर बटा क्यू पी हो जाएगा। वो लाना क्या है, पी एम का स्क्वायर लाना है। तो पी एम किस में है, ये इस वाले भुजा में और इस वाले भुजा में, यानी इस दोनों भुजा को सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी एम है यानी एम पी है, तो एम पी को पी एम लिख सकते हैं, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पी एम स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू एम इंटू एम आर। और यही सीध करना था, सीध हो गया, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तीसरा नंबर इसमें एक बार फिर पी एम आर को आर पी क्यू के साथ समरूप दिखा दिए हैं। एक बार पी एम आर को त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज आर पी क्यू के समरूप दिखा दिए हैं। उसके बाद एक बार त्रिभुज पी एम क्यू को बड़े वाले त्रिभुज आर पी क्यू के समरूप दिखा दिए हैं। और समरूप दिखाने के बाद, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपाती कर दिया। इसके बाद हमें जरूरत था पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर का। तो इसमें पहले देखें, तो ये इस वाले भुजा और इस वाले भुजा में पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर हुआ है। इस प्रकार पी एम स्क्वायर पर और क्यू एम इंटू एम आर प्रूफ हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में एक त्रिभुज डी ए बी है। जिसमें ए से बी डी पर एक लंब डाला गया है। ए से ए सी लंब डाला गया है बी डी पर, तथा कोण ए समकोण है। कोण ए समकोण है।
तथा एसी लंब है बीडी पर। तो दर्शाना है कि ए बी स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू ए पूरा वाला त्रिभुज बी डी। पहले लिख लेंगे कि दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण ए क्या है समकोण है। तथा एसी लंब है बीडी पर। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पहला नंबर ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, यानी यहाँ पे दिखाए थे ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, यानी एक बार त्रिभुज ए बी सी तथा एक बड़ा वाला त्रिभुज डी ए बी के समरूप दिखाना है। लिखेंगे प्रमाण, त्रिभुज बी सी ए को बड़ा वाला त्रिभुज बी डी ए के समरूप दिखा देंगे। त्रिभुज बी सी ए तथा त्रिभुज बी ए डी में छोटा वाला त्रिभुज में क्या है कोण सी समकोण है तथा बड़े वाला त्रिभुज में कोण ए समकोण है। यानी कोण बी सी ए बराबर कोण बी ए डी बराबर 90 डिग्री क्या दिया है। तो क्या दोनों में बी कोण बी बराबर कोण बी समकोण है। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज बी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। किसे हुआ है कौन कौन समरूपता कसौटी से बाई ए ए। अब त्रिभुज बी सी ए समरूप हो गया त्रिभुज बी डी ए के। तुम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अलग अलग एक त्रिभुज बना लेंगे बी सी ए और एक त्रिभुज बी ए डी। संगत भुजाएं समानुपाती करेंगे क्योंकि बी सी बराबर हो जाएगा बी ए के। बी सी बटा बी ए बराबर सी ए बटा ए डी। बराबर
बी ए बटा बी डी। इसमें लाना क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। देखेंगे किस में ए बी है, इस वाले भुजा में ए बी है, ए बी बटा बी सी, और इसमें बी सी है, और इस वाले भुजा में यानी बी सी बटा बी ए बराबर बी ए बटा बी डी को सॉल्व कर लेंगे। बी सी बटा बी ए बराबर बी ए बटा बी डी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी ए से बी ए का स्क्वायर करेंगे, बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी सी गुने बी डी। और यही हमें प्रूव करना था, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तीन का दूसरा नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना है, तीन का दूसरा नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यानी बी सी गुने डी सी। एक त्रिभुज बना लेंगे, क्या डी त्रिभुज क्या है, डी ए बी, और इसमें ए सी लॉम्ब डाला गया है बी डी पर। अब हमें ज्ञात करना ए सी का स्क्वायर, ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी, यानी बी सी बी सी गुने डी सी। तो ए सी का स्क्वायर और बी सी गुने डी सी ज्ञात करना है, तो हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी ए को समरूप दिखा देंगे। त्रिभुज बी ए सी को त्रिभुज डी सी ए के समरूप दिखा देंगे। प्रमाण में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी को समरूप दिखा देंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा डी ए सी में क्या है, कोण
कोण सी समकोण है, यानी कोण ए सी बी बराबर कोण डी ए सी, डी ए सी में कोण ए समकोण है, यानी कोण डी ए सी बराबर 90 डिग्री किसे हुआ है, दिया है। अच्छा दोनों में क्या है, कोण ए उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ए सी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के किससे, एंगल एंगल से, बाय एंगल एंगल। अभी त्रिभुज समरूप हो गया चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए किसके समरूप दिखाए थे, त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखाए थे त्रिभुज डी ए सी के। संगत भुजाएं समानुपाती करेंगे, ए बी बटा क्या होगा डी ए, ए बी बटा डी ए बराबर बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी बराबर क्या होगा ए सी बटा डी सी, ए सी बटा डी सी। हमको लाना क्या था, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। यानी इस वाले भुजा और इस वाले भुजा को समरूप दिखा देंगे, बी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा डी सी, कि बी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा डी सी। अब इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए सी गुण ए सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी सी गुने डी सी, और यही हमें प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने डी सी। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। त्रिभुज क्या था, त्रिभुज बी ए डी था, डी ए बी। अब इस पर एक लंब खींचा गया था सी, ए सी लंब डाला गया था बी डी पर, था कोण ए बी समकोण दिया गया था। तो हम इसको लाना क्या है, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी, यानी बी डी इंटू सी डी। ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो हम यानी त्रिभुज सी डी ए सी और त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज डी ए बी को समरूप दिखा देंगे, यानी त्रिभुज त्रिभुज डी सी ए को समरूप दिखा देंगे त्रिभुज डी बी ए के है।
लिखेंगे प्रमाण। किसको दिखाएंगे? त्रिभुज एसीडी को समरूप दिखाएंगे त्रिभुज बीएडी के। त्रिभुज एसीडी तथा त्रिभुज बीएडी में, यानी इस बीएडी को समरूप दिखाएंगे त्रिभुज एसीडी के, एसीडी इस वाले त्रिभुज के। लिखेंगे त्रिभुज एसीडी तथा त्रिभुज एबीडी में। क्या ए सी डी में कौन सी सम यानी कौन ए सी डी बराबर हो जाएगा कौन ए बी डी में, क्या कौन ए समकोण है यानी कौन बी ए डी बराबर क्या है 90 डिग्री है, क्या दिया हुआ है दोनों में, क्या डी उभयनिष्ठ है दोनों में तथा कोण डी उभयनिष्ठ है, कोण डी बराबर कोण डी उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज एसीडी समरूप हो गया त्रिभुज एबीडी के। किससे हुआ है? एंगल एंगल से, बाई एंगल एंगल। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। त्रिभुज बना लेंगे ए सी डी, ए सी डी तथा एक त्रिभुज बी ए डी, इसके संगत भुजाएं समानुपाती करेंगे यानी AC बराबर BA बराबर CD बटा AD हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AD बटा BD। हमको लाना क्या है? AD का AD किस में? इस वाले भुजा और इस वाले भुजा में AD है बराबर BD इंटू CD, इसमें भी BD है और इसमें CD है, दोनों भुजाओं का ले लेंगे CD बटा AD बराबर AD बटा BD। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AD गुने AD करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर बराबर BD इन बी डी गुने सी डी, और ये हमें प्रूफ करना था। ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुने सी डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा समान माप के हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, तथा कौन सी समकोण दिया है यानी कौन सी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। पहले लिख लेंगे दिया क्या है, दिया है
त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर टू ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, यानी ए सी बराबर है बी सी के। अब सिद्ध करना, आप लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या है, कौन सी बराबर 90 डिग्री है। कौन सी बराबर 90 डिग्री। अब पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब है ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यहाँ पे बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बराबर है बी सी के, इसलिए बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे वह लिखेंगे, चूँकि बी सी बराबर है ए सी के, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू ए सी का स्क्वायर। यानी त्रिभुज ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, जिसका ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर है बी सी के, यानी ए सी बराबर है बी सी के, तथा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है टू ए सी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कोण सी बराबर 90 डिग्री। पहले लिख लेंगे दिया क्या है, दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
जिसमें ए सी बराबर है बी सी के। में ए सी बराबर बी सी तथा ए बी का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है टू ए सी का स्क्वायर। अब सी क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया क्या हुआ है प्रमाण में, कौन सी का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या है प्रमाण में लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर टू ए सी का स्क्वायर दिया हुआ है। लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया हुआ था ए बी का स्क्वायर बराबर टू ए सी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर टू ए सी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए सी स्क्वायर यानी क्योंकि ए सी बराबर है बी सी के। ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। इसीलिए यह सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और ये किससे हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। लिख देंगे बगल में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप के हो, यानी ए बी बराबर हो बी सी के तथा बी सी बराबर हो ए सी के। तथा इसमें एक शीर्षलंब डाला गया है, जिसकी भुजा दिया हुआ है टू ए। इसको डी मान लेंगे, जिसकी भुजा क्या दिया हुआ है टू ए। संभावित त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप के हो यानी बी सी बराबर टू ए, तो ए बी बराबर भी टू ए होगा तथा ए सी बराबर भी टू ए होगा।
हमें निकालना है बी डी का मान। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बार इस वाले ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखा देंगे। त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी को समरूप दिखा देंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, क्या दिया हुआ है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप के होती है। तो दोनों में क्या है, ए डी उभयनिष्ठ है, यानी ए डी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तथा क्या है, कोण डी समकोण है, इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी को सर्वांगसम दिखाना था, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में दोनों में ए डी यानी दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों। एक त्रिभुज ए बी डी है तथा एक त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी है, इसमें कर्ण कर्ण के बराबर है, ए डी के बराबर है, इसीलिए ए डी बराबर हो जाएगा ए डी के। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, किससे होगा, साइड एंगल साइड से। इसमें दो भुजा और एक कोण को सर्वांगसम दिखाया है बाय साइड एंगल साइड। इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। बी डी बराबर बी डी पूरा बी सी है, बी डी आधा है बी सी के, यानी बी डी बराबर डी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा टू, बी सी बटा टू। बी डी बराबर बी सी कितना दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था टू ए, यानी बी सी के जगह पर टू ए लिख देंगे, टू ए बटा टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा,
तो बच जाएगा ए, यानी बी डी का मान ए हो गया। अब इस प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ए डी का मान ज्ञात करना है। ए डी का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, ए डी का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ए बी। चूँकि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी ए डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर किससे हुआ है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस बी डी का मान कितना निकाले थे? ए। तो ए बी कितना था? 2a। तो ए डी का मान ज्ञात करना है। ए बी कितना है? 2a। 2a का स्क्वायर कर देंगे, 2a का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। ए डी निकालना ही है, इसलिए ए डी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर किया है। पाइथागोरस प्रमेय लागू किए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यानी एडी का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और बीडी कितना? बीडी ए निकाले यानी ए का स्क्वायर। टू ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4a स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डी को उधर, ए डी स्क्वायर को उधर, ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ए बी का मान दिया हुआ था, ए बी का मान दिया हुआ था 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर नहीं होगा। 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर ad का स्क्वायर। फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा बराबर ad का स्क्वायर। ए डी उधर स्क्वायर में इधर लाएंगे, इधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर। यहाँ पे रूट 3 रूट से नहीं निकलेगा लेकिन ए स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि 2 एगो है और 2 पर एगो रूट से बाहर निकलता है, यानी रूट 3a स्क्वायर यानी एगो ए निकल जाएगा बाहर बराबर ए डी। इसको गुना करेंगे तो रूट 3a हो जाएगा बराबर ए डी, यानी ए डी बराबर रूट 3a। ए डी का मान निकालना था, ए डी कितना निकल गया? रूट 3a।
नौ नंबर क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से आठ मीटर एक सीढ़ी है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, ए भी मान लेंगे, सीढ़ी को ए भी मान लेंगे, ये दीवार है, ए भी दीवार है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर तथा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। यहाँ पे इसको सी मान लेंगे, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और इसको दीवार में टिकाना है, सीढ़ी को दीवार में टिकाना है, यानी सी को ए से मिला देंगे तो एक त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा तथा सीढ़ी 10 मीटर लंबा है, यानी ए बी का मान 8 मीटर तथा ए सी का मान 10 सेंटीमीटर, तो आधार निकालना है यानी बी सी का मान ज्ञात करना है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, किससे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए सी का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 मीटर, दस का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का मान निकालना है तो फिर सीधे बी सी स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या करेंगे अब 64 को इधर ले आएंगे, उधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर बी सी का स्क्वायर। क्या था, 100 माइनस 64 बराबर बी सी का स्क्वायर, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, 36 बराबर बी सी का स्क्वायर, अब इधर से बी सी से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, यानी रूट 36 बराबर बी सी, अब रूट 36 को रूट से निकालेंगे तो 6 × 6 करेंगे तो रूट, यानी बी सी का मान 6 मीटर निकल गया। वीडियो पूरा ना कुछ ना लोग फेस लो खोल ना है लेक कुछ ना लगो जब मुँह ना लगो I didn't know.
ये कर ना मैं ना बोली कर कौन दे अब चुप से नहीं रही कौन चुप तो नहीं रही ना कुछ नहीं दसवां नंबर क्वेश्चन में 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे एक खंभा है खंभा को ए भी मान लेंगे कितना है ए भी बराबर दिया हुआ है 18 मीटर वो तार के एक सिरे से जुड़ा हुआ यानी सी एक तार है जो खंभे के सिरे से जुड़ा हुआ है और इसका लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर तो इसका आधार निकालना है बीसी का मान ज्ञात करना है तो मैं ज्ञात करना है कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार ताना रहे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं यानी कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब कितना है 20 ए बी का स्क्वायर समकोण भी समकोण है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी कितना है 24 24 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर ए बी कितना है 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होगा प्लस बी सी स्क्वायर अब 324 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 576 माइनस 324 बराबर बी सी स्क्वायर इसको घटाएंगे तो 252 हो जाएगा बराबर बी सी स्क्वायर अब बी सी स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा रूट 252 बराबर बी सी 252 को रूट से निकालेंगे तो 6√7 आ जाएगा बराबर बी सी यानी बी सी बराबर 6√7 निकल गया बी सी बराबर 6√7 11 नंबर क्वेश्चन में है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है तथा इसी समय एक और अन्य हवाई जहाज
उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से की चाल से चलता है। पहले हम दिशा बना लेंगे। क्या है? उत्तर, दक्षिण। ये पूरब हो जाएगा, पूरब पश्चिम। और पहला हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा है। उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तथा उसी हवाई अड्डे से एक और हवाई जहाज पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। तो हम इसको ए मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे और ये ओ हो जाएगा और ए को सी से मिला देंगे। तो निकालना है कि एक पूर्णांक 1/2 यानी 1.5 घंटे में दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे, लिखेंगे चूंकि पहले हवाई जहाज द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी बराबर। पहला हवाई जहाज 1 घंटे में कितना दूरी तय किया है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकाल लेंगे पहले हवाई जहाज 1.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, क्योंकि पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर। कितना होगा? 1000 × 1.5 घंटा यानी 3/2। 1 पूर्णांक 1/2 करेंगे तो 3/2 होगा और 2 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 और 500 × 3 करेंगे तो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी पहला हवाई जहाज 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ेगा। अब दूसरा हवाई जहाज की दूरी निकालना है। लिखेंगे चूंकि दूसरे हवाई जहाज द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी बराबर। एक घंटे में कितना दूरी तय किया है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकाल लेंगे दूसरे हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, क्योंकि दूसरे हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में
तय की गई दूरी बराबर कितना हो गया, एक घंटे में कितना 1200 गुने डेढ़ घंटे यानी 3/2। अब 2 से 1200 को कैंसिल करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर यानी दूसरा हवाई जहाज डेढ़ घंटा में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ेगा। तो अब डेढ़ घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या था, ए था 1200 किलोमीटर। अभी पहला हवाई जहाज कितना दूरी तय किया है, 1500 किलोमीटर, ये ए है, था सी, अभी 1800 किलोमीटर दूरी तय किया है तथा ये ओ है, ए से सी को मिलाएंगे, क्या ए ओ बराबर कितना है 1500 किलोमीटर तथा सी ओ सी बराबर 1800 किलोमीटर। अब ए सी का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए ओ सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है ए सी यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है ए ओ, ए ओ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ओ सी का स्क्वायर। ए सी कितना, ए सी का मान ज्ञात ही करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए ओ कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ सी कितना है 1800 का स्क्वायर करेंगे। पंद्रह सौ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 बैठेगा प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा और बच गया 0 0 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 बैठ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, पाँच सौ उनचास और 4 को 0। अब ऐसे इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा यानी ऐसे बराबर रूट अंडर 549 और 4 को 0। पाँच सौ उनचास को रूट से निकालेंगे तो 23 × 23 करेंगे तो 549 होगा, तो 23 × 2 = 23 निकल जाएगा और 4 × 0 4 × 0 को रूट से निकालेंगे तो 2 × 0 बाहर निकलेगा यानी ए सी बराबर 2300 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी डेढ़ घंटे में के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, चूँकि एक पूर्णांक 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की
दूरी बराबर 2300 किलोमीटर प्रति घंटा। Thank you.